एमडीए कहाँ तक ईमानदाराना तरीके से खरी उतरी और कहाँ तक उसे अपने मकसद में कामयाबी मिली, यही आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। जैसा कि हमने रोड पेज का मुद्दा लेकर उठा था, तो हमें ये जो है एक लेटर मौसूल हुआ कॉरपोरेशन की जानिब से, 14 तारीख को वहाँ से निकला था लेटर, हमको 24 तारीख को मिला, सितंबर को, 24 सितंबर को। तो इसमें बाकायदा कॉरपोरेशन की जानिब से हमने जितने लेटर दिए वहाँ पर रेफरेंस में ये उसके यहाँ पर हवाले दिए, उसकी डेट दी हुई है, और हमने जो मांग की थी कि शहर की तमाम अहम शहराए जिस पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ गड़े ही नज़र आते हैं, सड़कें कहीं नज़र नहीं आती है, तो उसकी दुरुस्तगी की जाए। तो कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि बारिश के बाद काम शुरू होगा, और बारिश बंद हो चुकी है। प्रभाग नंबर 4 से हमें 11 तारीख को बोला गया, यानी प्रभाग नंबर 4 में जो काम है वो 11 तारीख को शुरू होगा, और बाकी 10 तारीख से दीगर रास्तों की दुरुस्तगी शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है कमिश्नर के ज़रिए यहाँ पर बताया गया कि जब हमने वहाँ पर लेटर दिया, हमने धरना दिया, तो उसके फौरन बाद जो है उस पर अमल आवारी की गई और मंसूबा बनाया गया, और दूसरे दिन जो है अखबारात के ज़रिए 3,84,00,000 रुपए रोड पेज के लिए फ़ंड जो है मंजर आम पर आया। तो ये एमडीएफ की एक कामयाबी है, एक कोशिश जो कर रहे थे, ये ईमानदारी का जो एक फल हमें जो है मिला है, जो शहर के लिए एक शहर के मुफाद में जो एक बेहतर जो है कदम है एमडीएफ की जानिब से। तो यही आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। इसके अलावा जैसे हमने अली अकबर का मुद्दा उठाया और भी तालीमी लाइन से जो सरगर्मी अंजाम दे रहे हैं, तो उसी लिए हमने मुनाकिद की थी। इस पर जैसा कि इसी में जो है इमाम अहमद रज़ा रोड के ताल्लुक से हमने मांग की थी कि हमें यहाँ पर गढ़े नहीं चाहिए, नहीं गढ़े भरकर काम नहीं चलेगा, हमें नए सिरे से रोड बना कर दो। तो कमिश्नर ने इसमें वजाहत दी है कि ये रोड बन चुकी है, लेकिन आप अगर विजिट करोगे रोड पर तो आप देखोगे कि कई साल से वो रोड बनी ही नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि फंड निकल चुका है, रोड कागज़ पर बनी है, ज़मीन पर नहीं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और एमडीएफ जो है आरटीआई लगाकर उसके हवाले से जो है एफआईआर दर्ज करेगी, और ये मामला कोर्ट तक जाएगा, और इसमें जो जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। हर बार कार्रवाई की जाने की बात होती है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तो सजा नहीं होती। वो जो लोग करते होंगे उनका मामला है, जो सिर्फ सियासत करते हैं। एमडीएफ तो अगर उसी तरह करना रहता तो एमडीएफ शायद एमडीएफ का वजूद नहीं रहता। एमडीएफ का वजूद ही इसलिए आया है कि शहर की नापाक सियासत का खात्मा हो। बनाया गया, पैसा निकाल लिया गया और करप्शन हुआ है, तो इसमें जो है मैं गुजारिश करूंगा आवाम से कि आवाम भी इसमें साथ दे। आप देखे पूछे दुकान वालों से, आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि इस तरह एक कागज पर यहाँ पर रोड बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर असल में बनी हुई